उसी के बाद कि स्टार्ट करने से पहले आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए इन्हीं तीनों क्वेश्चंस को हम डिटेल में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और क्योंकि ये लाइव सेशन है तो आपके जो भी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज होंगे वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं वेरी गुड आफ्टरनून गिरीश राजश्री एंड एवरीवन ऑफ यू हु हैव जस्ट ज्वाइंट सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड लेट्स बिगिन विद दिस सीरीज विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज इंडियन एविडेंस एक्ट देखिये जब आप इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द टर्म एविडेंस एविडेंस का मतलब क्या होता है देखिए जब हम एविडेंस के मतलब पे जाते हैं तो एविडेंस का मतलब जो वर्ड है वो लिया गया है एविडेंट से जिसका मतलब होता है टू क्लियर टू मेक थिंग्स क्लियर और टू बी मोर स्पेसिफिक टू मेक थिंग्स क्रिस्टल क्लियर अब क्वेश्चन आता है कि एविडेंस में हमें क्लैरिटी की किस तरीके से जरूरत है तो देखिए अगर आप चाहे एक सिविल एग्जांपल लें या आप एक क्रिमिनल एग्जांपल लें दोनों ही केसेस में आपको एविडेंसेस की जरूरत पड़ती है कुछ एग्जांपल्स लेते हैं मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है दिस हाउस और ए क्लेम करता है कि आई एम दी ओनर ऑफ दिस हाउस और बी क्लेम करता है दैट आई एम ओनर ऑफ दिस हाउस तो यहां पर दोनों के बीच में क्या हो जाता है डिस्प्यूट हो जाता है कि ओनरशिप है किसके पास अब ए के पास है या बी के पास है तो अब यहां पर ले लेते हैं कि ए ने बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया अब अगर ए ने बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया है तो अब कोर्ट में जबकि आपने एक बहुत ही फेमस डायलॉग भी सुना होगा कि कोर्ट सबूत मांगता है तो अब यहां पर ए अपने एविडेंसेस एविडेंसेस देगा देगा टू टू सपोर्ट सपोर्ट हिज हिज टाइटल टाइटल और और बी अपने उसके बाद एप्रिशिएशन ऑफ एविडेंसेस होगी उनकी एडमिसिबिलिटी होगी उनकी रेलिवेंसी देखी जाएगी एंड सो ऑन लास्ट में डिसीजन एविडेंसेस के बेसिस पर ही होगा जो कि जज साहब बताएंगे कि ए की जो ए है वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है या बी उस उन, उस प्रॉपर्टी का ओनर है तो इन कि आपको एविडेंसेस की जरूरत क्या है टू मेक क्लियर ले सके कि प्रॉपर्टी हो सकता है हो, 50 -50 हो, या क्या है तो आंसर आपको एविडेंस की जरूरत इस तरीके से पड़ती है अब एक एग्जाम्पल क्योंकि हमने सिविल लिया है तो एग्जाम्पल क्रिमिनल का भी लेता है एक केस में Which means कि ए के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि उसने ऑफेंस किया है ऑफ मर्डर अब प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस रखेगा यहां पे। प्रोसिक्यूशन ने एक्यूजेशन लगाई हैं कि ए ने ही मर्डर किया है और दूसरी तरफ हमारे पास होगा डिफेंस तो अब इन सरकम में भी एविडेंस का क्या रोल रहेगा एविडेंसेस का ये रोल रहेगा कि प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस सामने रखेगा जो कि कोर्ट में ये प्रूव करेंगे जो कि कोर्ट में इन चीजों को क्लियर करेंगे कि हाँ इन्हें ही मर्डर किया है और दूसरी तरफ डिफेंस अपने एविडेंसेस रखेगा जो कि कोर्ट में इन चीजों को क्लियर करेंगे कि हाँ ए ने जो है मर्डर नहीं किया है तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म एविडेंस जिसमें कि मैंने आपको दो एग्जांपल्स दिए जिसमें कि आपको साफ साफ पता लगा कि क्रिमिनल केसेस में और सिविल केसेस में एविडेंस के इसका क्या रोल है क्या मतलब है और क्या इंपॉर्टेंस है इसी से हमारा एक सेकेंड क्वेश्चन यहां पर जनरेट हो जाता है वेरी गुड आफ्टरनून एवरी वन ऑफ यू हैव जस्ट ज्वाइंड चलिए जी अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन क्या है सेकेंड क्वेश्चन ये है कि एविडेंस की इंपॉर्टेंस क्या है क्यों चाहिए हमें एविडेंस व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट पहले क्वेश्चन को समझिएगा जो क्वेश्चन मैंने यहां पे आपके लिए पुट किया है इंडियन एविडेंस एक्ट तो पहले कुछ क्वेश्चन को समझते हैं जूरिस वर्ड लिया गया है फ्रॉम जूरिस जिसका मतलब है वाई डू वी नीड द लॉ हमें इस लॉ की जरूरत ही क्यों है इंडियन एविडेंस एक्ट की जरूरत क्यों है

लेकिन लेकिन यहां पर यह क्वेश्चन है कि हमने इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर ही क्यों आए उसके कुछ रीजन हैं सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रीजन पर आते हैं जो कि आपको आपके प्रियम्बल में देखने को मिलता है प्रियम्बल आपको बताता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट को इसलिए लेकर आया होता है एक्सप्लेन करना, मतलब उनको, उनको करना उनके मीनिंग को आपको इजीली बताना और अमेंड का मतलब होता है कि कुछ भी चेंजेस एज पर टू द सोसाइटी जिस तरीके से चेंजेस होती है उस तरीके से चेंजेस भी लेकर आना

एग्जाम्पल ले सकते हैं सेक्शन नंबर थ्री का ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि एविडेंस जैसी टर्म को डिफाइन भी करती है अब मैं एक बार थोड़ा सा उस पर एविडेंस पर भी बात कर रहा था क्योंकि अभी अभी हमने मीनिंग ऑफ एविडेंस भी डिस्कस किया तो जब भी आपकी कोई भी टर्म अगर उस एक्ट में या कोड में डिफाइन है तो यूजुअली आपका जो फर्स्ट आंसर होता है कि वेदर द टर्म हैज बिन डिफाइंड और नॉट अगर डिफाइंड नहीं है तो यूजुअल आप यूजुअल मीनिंग्स पे जाते हो अगर डिफाइंड है तो आप उस सेक्शन को मैंशन करते हो

उसमें उन्होंने दो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज की हैं कि आपका ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर ही आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अब यहीं से एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सर ओरल एविडेंस क्या है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है और आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस uh, क्या है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है तो इन सब के क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं आपको पार्ट टू में जो कि आपको बताता है कि ओरल एविडेंस क्या है और उसके प्रिंसिपल्स उसके साथ क्या है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आपके प्राइमरी uh, एविडेंस भी आ जाता है आपका सेकेंडरी एविडेंस भी आ जाता है एंड सो ऑन दिस वॉज द मीनिंग ऑफ एविडेंस तो इस तरीके से जो है टर्म्स को यहाँ पर कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिफाइन भी किया गया जैसे एडमिशन को भी डिफाइन किया गया इसके अलावा अगर आप एग्जाम्पल एस्टोपल क्या होता है सेक्शन में उसको भी डिफाइन किया गया तो दिस इज दिव ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो सबसे पहला आपका आता है वो आता है आपके प्रियम्बल से ही अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे टू अराइव एट द ट्रूथ क्यों चाहिए इंडियन एविडेंस एक्ट देखिये जज साहब तो कोर्ट में बैठे हुए हैं उनको तो नहीं पता कि प्रॉपर्टी का ओनर कौन है उनको तो नहीं पता कि यहां पर जो जिसके ऊपर एक्जिशंस लगाई गई हैं, उसने वो पर्टिकुलर ऑफेंस किया है या नहीं किया है तो उस सच्चाई तक पहुंचेंगे कैसे और वो पहुंचोगे आप विद हेल्प ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट जाता और जिनको माना जा रहा है उनको क्यों माना जा रहा है तो यही इन्हीं सब क्वेश्चन के आंसर करता है आपको इंडियन एविडेंस एक्ट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा द थर्ड पॉइंट

कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि कोर्ट में प्रूफ क्या करना है और इस क्वेश्चन का आंसर करता है सेक्शन नंबर फाइव ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट जो कि आपको ये बताता है कि आप कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू ही प्रूफ करोगे और इसके अलावा और कुछ प्रूफ नहीं करोगे

ये किस डिपेंड करेगा ये दूसरे फैक्ट पर डिपेंड करेगा Which means कि of fact है या नहीं तो सबसे पहली चीज आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे आपको दो फैक्ट देखने होंगे जिसका मतलब ये है कि सेक्शन नंबर सिक्स से लेकर सेक्शन नंबर 55 तक आपके जितने भी सेक्शंस uh, uh, हैं उन सभी सेक्शंस में रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में ही बात की गई है फॉर एग्जाम्पल सेक्शन नंबर सिक्स जो कि आपके बात करता है की, तो वो सेम ट्रांजेक्शन में हुए हुए सारे के सारे एक्ट आपके रेलिवेंट होंगे एंड ऑन इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल एक इलस्ट्रेशन है आपकी काफी इंपॉर्टेंट ऑफ सेक्शन नंबर इलेवन जो कि प्ली ऑफ एलाबाई के बारे में बात करती है तो वो भी आपका रेलिवेंट होगा एस पर टू सेक्शन नंबर इलेवन एंड सो ऑन तो जब भी आपसे कोई पूछे कि क्या रेलिवेंट है और क्या रेलिवेंट नहीं है तो उसका आंसर आप देखने जाएंगे फ्रॉम सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर सिक्स से लेके सेक्शन नंबर फिफ्टी फाइव तक एंड सो ऑन जैसे आपका एक्सपर्ट एविडेंस कब रेलिवेंट होगा कब रेलिवेंट नहीं होगा एंड सो ऑन अब यहीं से आपका एक सेकेंड क्वेश्चन आता है कि जब हमें यह पता लग गया कि फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को ही जो है हमें उसी को प्रूफ प्रूफ करना है तो second question है तो फिर सेकंड क्वेश्चन आता कि इनको प्रूफ कैसे करेंगे हाउ टू प्रूफ तो उसका आंसर आपको दिया जाता है सेक्शन 56 टू 100 में जो कि आपको बताता है कि आप ओरल एविडेंस से और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूफ कर सकते हो अब ओरल एविडेंस क्या होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल ए ने बी का मर्डर कर दिया और ये करते हुए सी ने देखा अब सी कोर्ट में जाकर बोलता है कि हाँ मेरा नाम सी है और मैंने देखा ए ने बी को जान से मारा मेरी आंखों के सामने तो अब सी यहां पे क्या कर रहा है ओरल एविडेंस दे रहा है और यहीं पर एक और प्रिंसिपल आता है कि जब आप ओरल एविडेंस देते हो तो ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब जिसने देखा है जिसने सुना है जिसने महसूस किया है वही आकर एविडेंस दे कोई और ना दे

ठीक है जी अभी मैं आपको जस्ट एक बेसिक बता रहा हूँ कि पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट में बेसिकली है क्या ठीक है जी आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं सेक्शन नंबर सिक्स और आपका डाइंग डिक्लेरेशन आर दी एक्सेप्शन अभी ये आगे आने वाले उसमें और भी इन पॉइंट्स में डिटेलिंग में जाऊंगा तो घबराइएगा मत ठीक है तो सेकंड पार्ट में हमें ओरल एविडेंस के बारे में पता लगता है कि आपको जो प्रूव करना है वो आप ओरल एविडेंस से प्रूफ कर सकते हो और कैसे प्रूव कर सकते हो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रूफ कर सकते हो अब जैसे ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आता है फिर एक क्वेश्चन और आ जाता है और वो क्वेश्चन ये आता है कि सर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में प्राइमरी एविडेंस से करना है या सेकेंडरी से करना है तो आंसर है आपको प्राइमरी एविडेंस से ही करना है लेकिन अगर प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल ही नहीं है तब क्या करेंगे then we will go to secondary evidence. अब क्या 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 होता है? Secondary evidence क्या होता है, है, है? दोनों में differentiate क्या है? वो जब हम part two करेंगे, then we will enter on this. और यहीं पर एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स ऑलवेज डू रिमेंबर जो आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको हमेशा प्रेफरेंस दी जाएगी ओवर ओरल एविडेंस अब यहीं पे क्वेश्चन आता है सर क्यों

ले और उसी में मान लीजिए वो एक जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ था वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल था विच मीन्स कि मैं आपको अपनी कार बेच रहा था दो लाख रुपए में अब ये दो लाख रुपए भी मैंने लिखवा दिए कौन सी कार है कौन सी कंपनी की है मॉडल नंबर क्या है एंड सोन वो डिटेल्स भी लिखवा दी अब ओरली बात हुई तीन लाख की लेकिन लिखवाया गया दो लाख तो अब क्वेश्चन आता है कि किसको प्रेफरेंस दी जाएगी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को या फिर ओरल एविडेंस को तो इन दैट केस आपका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो जो है सर्वाइव करेगा ओवर दी ओरल एविडेंस इसकी कुछ एक्सेप्शन भी हैं जैसे आप सेक्शन नाइन्टी रेफर कर सकते हो सेक्शन नाइनटी रीड विद विदू में ही ये कॉन्सेप्ट आपका पढ़ा जाता है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूजुअली एग्जाम्स में आता ही आता है ठीक है जी तो हमने यहां पे बात की कि आप किस तरीके से प्रूफ करोगे अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन आता है विच इज द थर्ड पार्ट वो ये आता है कि प्रूफ करेगा कौन विच मींस द प्रोसिक्यूशन और द डिफेंस और सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इसी क्वेश्चन को एक सिविल में लूं तो प्लेन प्रूफ करेगा या डिफेंडेंट प्रूफ करेगा

अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं विटनेसेस की विटनेस कौन-कौन हो सकता है क्या कोई फॉर्मूला है विटनेस का तो इस क्वेश्चंस का आंसर भी आपको इंडियन एविडेंस एक्ट ही देता है जैसे कि सेक्शन 118 जब आप पढ़ते हैं तो वो आपको साफ-साफ शब्दों में ये बताता है कि देखिए विटनेस कोई भी हो सकता है सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो क्वेश्चन को समझ जाए जो सवाल उससे पूछा गया है वो सवाल को समझ जाए और एक रैशनल आंसर दे दे

फिर सेकंड क्वेश्चन आता है सर प्रूफ करेंगे कैसे हाउ टू प्रूफ तो उसका आंसर आपको यहां पर मिल जाता है सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन नंबर 100 तक और लास्ट क्वेश्चन आता है सर बाय हुम टू प्रूफ प्रूफ करेगा कौन तो उसका आंसर आपको पार्ट थ्री ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में मिल जाता है तो ये आपके हैं तीन पार्ट्स जो कि आपको ये बताते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट की हमें जरूरत क्यों है तो पहले हमने पढ़ा एविडेंस का मीनिंग उसके बाद हमने देखा जोरसपोड इंशियलिजेंस अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा एंड आफ्टर दैट आई विल टेक ओनली योर क्वेश्चंस तो जो भी आपके सवाल हैं वो तैयार रखिएगा मैं एक टॉपिक और आपको करा के उसके बाद आई विल टेक योर क्वेश्चन अब थर्ड क्वेश्चन आपका आता है इंट्रोडक्शन में ही दैट इज द नेचर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट विच मीन एविडेंस एक्ट आपका सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है देखिए जैसे मैं एग्जाम्पल लू जब आप आईपीसी की तरफ जाएंगे तो वो वो आपको एक एक क्रिमिनल क्रिमिनल लॉ लॉ का देता है है सिमिलर गोस विद जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तरफ जाते हैं तो वो आपको सिविल लॉ का एग्जाम्पल मिलता है सी आपका सिविल लॉ है तो फिर क्वेश्चन आता है इंडियन एविडेंस एक्ट का नेचर क्या है तो इंडियन एविडेंस एक्ट सिविल भी है और क्रिमिनल भी है अब सर दोनों कैसे हो सकता है तो ध्यान से सुनिएगा पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट के जो प्रोविजंस वो सिविल में भी अप्लाई होंगे वो क्रिमिनल में भी होंगे हाँ ये जरूर है कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल लॉ में ही एप्लीकेबल हो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कन्फेशन uh, की ठीक है तो कन्फेशन जो है वो आपका क्रिमिनल लॉ में ही एप्लीकेबल होगा लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास कुछ प्रोविजन हैं जो कि दोनों पर एप्लीकेबल होंगे मेजोरिटी प्रोविजन ऐसे ही हैं जैसे कि एडमिशन वो दोनों में एप्लीकेबल होता है फिर कुछ ऐसे भी हमारे पास प्रोविजन हैं जो एक्सक्लूसिवली सिविल लॉ के लिए है। जैसे फॉर एक्साम्पल सेक्शन नंबर ट्वेल्व जिसमें कि आप डैमेजेस किस तरीके से कैलकुलेट करते हो वो सारे के सारे रेलिवेंट हो जाएंगे तो वो एक्सक्लूसिवली एप्लीकेबल होंगे बहुत बार सुना होगा कि क्रिमिनल लॉज बताइए तो यूजअली हमारे दिमाग में आई एविडेंस और सीआरपीसी आते हैं तो वो क्योंकि क्रिमिनल भी है लेकिन जब आप सिविल लॉ देखेंगे तो वहां पर भी उस

इवन अगर आपको याद हो जो मैंने पहला टॉपिक आज की सेशन में करवाया आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का मतलब जो मैंने आपको करवाया उसमें भी आपने देखा मैंने एग्जांपल दोनों के ही लिए क्योंकि एविडेंसेस की जरूरत तो दोनों में ही है सबूत तो हमें सिविल केस में भी चाहिए हमें क्रिमिनल केस में भी चाहिए अगर अगर मिस्टर ए को ये प्रूफ करना है कोर्ट में कि आई एम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी तो मिस्टर ए को वो एविडेंसेस लेकर आने पड़ेंगे ठीक है कि फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने खरीदी थी तो उनको वो सेल डीड कोर्ट में लेके आनी पड़ेगी अगर वो उन्होंने अपने फादर से इनहेरिट की थी तो वो जो इनहेरिटेंस का है उनको उनके फादर के जो नाम पे ये प्रॉपर्टी थी वो उनको प्रेजेंट करने होंगे अगर वो उनको गिफ्ट में मिली थी तो उससे रिलेटेड उनको डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे एंड सो ऑन ठीक है वो जिस भी तरीके से उन्होंने उस प्रॉपर्टी को जो है उनकी ओनरशिप का जो टाइटल है वो बनता है वो एविडेंसेस उनको लेकर आने पड़ेंगे सिमिलरली अगर प्रोसिक्यूशन कहता है कि ए ने ही मर्डर किया है तो अब ये कौन प्रूव करेगा तो प्रोसिक्यूशन ही बताए चाहे वो ओरल एविडेंस से बताए या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से फॉर जहां पे जो आपका मर्डर हुआ था वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था तो उस फुटेज में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया कि कौन कौन इन्वॉल्व थे किस तरीके से मारा कैसे मारा एंड सो ऑन तो वो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो होगा वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ही फॉल करेगा और उससे जो है प्रोसिक्यूशन प्रूव करेगा कि, and, कि भाई इन्होंने ही मर्डर किया है एंड सो ऑन

नाउ एनी थिंग विच इज नॉट क्लियर टू यू फ्रॉम द सेशन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट आप एक, एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं बताइए जी इन द कमेंट्स ओनली साहू आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन परेड टीआईपी की शायद आप बात कर रहे हैं कौन कौन करा सकता है प्लीज uh, आंसर बता दे एनी पर्सन इसमें आंसर आएगा कोई भी करा सकता है जज साहब भी करा सकते हैं पुलिस ऑफिसर भी करा सकता है कोई और पर्सन भी करा सकता है ठीक है जी uh, अमन सिंह आपका क्वेश्चन है सर सेक्शन थ्री में जो जज डिफाइन है क्या उसमें सेक्शन नाइनटीन ऑफ आई जितने जज आते हैं या वो सारे जज नहीं उसमें हम देखिये जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें जज अगर डिफाइंड है तो हमें आईपीसी में जाने की जरूरत नहीं है ठीक है है वहां पर जो जज डिफाइंड है, वो फॉर द पर्पज ऑफ आईपीसी है ठीक है और यहाँ पर जो जज डिफाइंड है वो फॉर द पर्पज ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है तो आप साथ में जरूर पढ़ सकते हैं बट आपको मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है प्राची जो कोर्ट का गेट खटखटाएंगे वो ही प्रूफ करेगा आफ्टर ऑल क्रिमिनल जोरिस्पेंस इज द पर्सन इनोसेंट अंडर प्रूफ प्राची जो आपने स्टेटमेंट लिखी है वो बेसिकली बात आप कर रहे हो सेक्शन नंबर uh, uh, 101 की ठीक है जी जो कि बेसिकली आपका बात करता है इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ तो जिसने एलिगेशंस लगाई हैं या प्लेटिफ इन दैट केस जो कोर्ट में गया है तो इनिशियल बर्डन ऑफ प्रूफ उन्हीं के ऊपर आएगा दैट्स करेक्ट हाँ जी राजलक्ष्मी मैं आज से जो है आज, आज आपकी फर्स्ट क्लास थी तो इसी तरीके से आपके नेक्स्ट सेशंस भी चलेंगे जो क्लैट स्टूडेंट्स हैं वो भी सेशंस देख सकते हैं आई थिंक कि अगर आप क्लैट एस्पिरेंट हैं तो आपने एविडेंस आपको वो शायद एग्जाम में भी हेल्प कर दे और डेफिनेटली उसके बाद आपको कॉलेज लाइफ में तो करेगा ही करेगा यूजर सेवन एट सिक्स जीरो अभी के लिए जो है इंडियन एविडेंस एक्ट से स्टार्ट हुआ है तो लेट्स लेट्स सी ठीक है जी uh, महेश आप रिट पिटिशन को सिविल और क्रिमिनल के उसमें uh, जो है पुट uh, नहीं करते हो ठीक है जी डेफिनेशन में शिवा आपका क्वेश्चन है इट मींस एनी प्राइवेट पर्सन आल्सो आई थिंक ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है आप इसको रीफ्रेस कर दीजिए आप पूछना क्या चाह रहे हैं इट मीन एनी प्राइवेट पर्सन ऑल्सो अगर आप टी आई के बारे में बात कर रहे थे तो आंसर इज यस ठीक है यस स्टूडेंट्स एनीथिंग विच यू आर नॉट क्लियर विद यू कैन आस्क क्वेश्चन स्टूडेंट्स अ जेंटल रिमाइंडर अबाउट स्टडी आई क्यू जुडिशियल लाइफ फाउंडेशन बैच एट अ गुड न्यूज दशहरा सेल आपकी आज के लिए भी एप्लीकेबल है यू कैन यूज दिस कोड एसके लाइफ टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट ठीक है जी और आप एथ uh, बैच में जो है अभी भी एडमिशन ले सकते हो स्टूडेंट्स यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई पर्सनल टेलीग्राम चैनल एंड ऑन माइ लिंक अकाउंट एंड हेयर आर द रिस्पेक्टिव लिंक्स मनाली त्रिपाठी जो आपने कमेंट uh, लिखा है मैं उसका आंसर कर रहा हूं ये कहां पर लिखा हुआ है पूरे सीआरपीसी में या एविडेंस में या कहीं और किसी लॉ में कि सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट ही टीआईपी कराते हैं ज्यादातर केसेस में आप कह सकते हो जब आप प्रैक्टिकल वो देखने जाते हो तो ज्यादातर केसेस में आपके या तो मजिस्ट्रेट कराते हैं या पुलिस ऑफिसर कराते हैं ज्यादातर केसेस में ये प्रैक्टिकल में आपको इम्प्लीकेशन बता रहा हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई और नहीं करा सकता और इस तरह का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन भी हमारे पास नहीं है महेश uh, कुमार आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो सीआरपीसी का क्वेश्चन है कॉग्निजेंस और इंक्वायरी में इंक्वायरी uh, की जो आपकी स्टेज होती है उसके अंदर कॉग्निजेंस का जो है एक टॉपिक आता है ठीक है कॉग्निजेंस और इंक्वायरी uh, को जो है डिफाइन किया गया है आपके तो यू कैन रेफर सेक्शन नंबर टू ऑफ सी आर पी सी ठीक है जी तो कॉग्निजेंस इज पार्ट ऑफ इंक्वायरी आप इस तरीके से समझ सकते हैं फरदीन अहमद मैं आपका पूरा क्वेश्चन तो नहीं समझाऊं बट अगर आप पूछ रहे हैं कि स्टडी आई क्यू क्या क्या चीजों को ऑफर करता है तो आप स्टडी आई क्यू के यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं काफी आपके जो है सीरीज चल रही हैं चाहे वो करंट अफेयर्स की हो या इस तरीके से सब्जेक्ट वाइज हो एंड सो ऑन ठीक है और जब हम पेड बात करते हैं तो देयर इज स्टडी आई क्यू जुडिश्री महापैक और आपके लाइफ फाउंडेशन बैचेस है yes, प्रतीक वी आर डन एंड आई एम जस्ट कंक्लूडिंग द क्लास नाउ सो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन को ही आगे और कंटिन्यू करेंगे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं कुछ जो कि मैंक्स्ट क्लास विच इज टूमारो डिस्कस करूंगा माई एंड एज ऑफ नाउ सी यू इन माई नेक्स्ट इट्स